300 रुपया क्या चीज़ के लिए देना पड़ेगा? और सुनिए, तो मेरा क्वेश्चन तो पहले सुनिए। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम 300 रुपये दिए, एग्जाम दिए, अगर फेल हो जाते हैं तो पैसा मिलेगा ना गया मेरा? लॉटरी टाइप का है ना क्या? एक तो दीदी है, मेरे को नंबर दिया था और वो बात की थी, बोल रही थी कि इसमें जॉब के लिए बोल रहे हैं बट इसमें पैसा मांग रहे 300 रुपया। तो थोड़ा सा बोल रहा कि थोड़ा सा आप समझ के थोड़ा बात करोगे, क्या सीन है इसका? पैसा जहाँ मांगता है ना वहाँ पर काम नहीं करने का है, लेकिन ऐसा क्यों करता है लोगों को समझ नहीं आता। पैसा चाहिए तो मांगो यार, दे दूंगा। फ़ोन पे नंबर बताओ, बात करें, लाइव लाइव सुनना क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। लाइव नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि ये चीज़ आपको नॉलेज के लिए। अब दूसरा को हेलो। हाँ मैडम, हाँ मेरे को डाटा एंट्री जॉब करना है, तो क्या सिस्टम है थोड़ा बताइए ना। मेरे को काम का बहुत ज़रूरत है, पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, बहुत परेशान है हम। राउट क्लास से ही बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बसंती देखे। हाँ तो क्या क्या लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ बात बोल देने से हम झटका से कुछ कर या ला नहीं पाएंगे ना। मुझे टोटल डिटेल यहाँ बता देने से हम उसी हिसाब से रेडी होके जाएंगे ना। और 300 रुपया क्या चीज़ के लिए देना पड़ेगा? अच्छा मतलब जॉब के लिए हायरिंग करें ना, ये कंसल्टेंसी है कि ये ला? ये कंसल्टेंसी है, जैसे कि जॉब लगाने के लिए आप लोग चार्जेस लेते हैं। मतलब 300 रुपया कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ के लिए, बताएंगे थोड़ा समझेंगे ना। हाँ क्या एग्जाम देना पड़ेगा? अच्छा मतलब एग्जाम देने के लिए भी पैसा देके करना पड़ेगा ना क्या? अच्छा मान लीजिए एग्जाम, सुनिए तो मेरा क्वेश्चन तो पहले सुन लिए। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम 300 रुपये दिए, एग्जाम दिए, अगर फेल हो जाते हैं तो पैसा मिलेगा ना गया मेरा? अच्छा मैंने लॉटरी टाइप का है ना क्या? बाउंड देना ही पड़ेगा 300 रुपया। डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास जाने का, तो हम लेके आ जाएंगे, कोई ये नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट जितना पड़ेगी उतना ही लेके आएंगे ना। श्रम कार्ड? मैंने ई श्रम कार्ड बोल रहे क्या? ई श्रम कार्ड हो? हाँ देखिए, मेरा हिसाब जितना नॉलेज है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपना जो पढ़ाई किया है उतना तो मेरे को मालूम है। अच्छा मैंने कौन क्या शेयर किया है थोड़ा डिटेल वगैरह देखे, हम सोचे थोड़ा बात उत कर लेते हैं और क्या है सिस्टम। मेरे को किसी ने शेयर किया था, तो काम करना है तो इसमें आप कांटेक्ट कीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो हम बोले ठीक है, काम हो जाएगा, थोड़ा समझना भी। नंबर वही शेयर किया जिसने मेरे को भेजा। जानते हैं मैंने क्या ऐसा हाई हेलो टाइप का होता है जॉब का, कभी मेरा होता है तो हम बता देते हैं, कभी उसका होता है तो वो मेरे को बता देता है, तो इधर उधर ऐसे चलते रहता है हम लोग का। तीन सौ रुपये लेके जाना है क्या? क्वार्टर नंबर क्या है? बासंती माने को जो आपका पानी टंकी है उधर ही ना, कहाँ पर है? नहीं बासंती में कहाँ पर ऑफिस है सर? कल जाएंगे भी तो कहाँ खोजेंगे फिर कल? डीएल चौक ना कौन सा?
अच्छा हाँ मार्केट मालूम है, हाँ, ब्रिज नीचे वाला मार्केट। हाँ मेरे को उतना नहीं होता, इसी को शेयर किया तो इसी में कॉल लगा दिए हैं। अच्छा, हाँ देखा रहूंगा, लेकिन मैं लगाया नहीं इसको, पहले लगा दिया तो फोन। हाँ, पहुंचने के बाद मैंने क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कल निकलने से हम थोड़ा फोन करते फिर, है ना। ठीक, टाइमिंग तो पता नहीं है क्योंकि थोड़ा अभी तो कुछ काम हम कर रहे हैं, कलर काम करते हैं अभी। मानना पड़ेगा, लेकिन अलग ही टाइप का लोग ना। चल हंस हंस के बात करे, मैंने मेरा बात को मजाक ले रही है। तो देखो ऐसा होता है आजकल का टाइम में, जो कुछ करना है सोच समझ के करना, पैसे तो नहीं लगना चाहिए, बातचीत अच्छा होता है, लेकिन बातचीत से मेरा घर नहीं चलेगा ना। बात यह है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब ठीक है, लेकिन पैसा मांग रहा है 300 रुपया, वो हजम नहीं हो रहा है मेरा, अपना खुद का राय है, बाकी आप लोग का कट।